देश में कोरोना संक्रमण के केसेस में स्थिरता आई है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बंसल न्यूज से बातचीत में ये दावा किया है। पिछले चार पाँच दिनों के केसेस में स्टेबिलिटी आई है, आने वाले समय में इसकी रफ्तार और कम होगी। राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में इस समय कोविड 19 की सेकेंड वेव चल रही है। जो संक्रमण की दर है वो 23% के आसपास बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन मध्य प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर कोविड 19 से लड़ने के लिए प्रयासरत है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, जो जिस तरीके से अब केसेस सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि स्टेबिलिटी हुई है, ग्रोथ रेट में कुछ कमी देख रहे हैं? जो केस संक्रमित होकर आ रहे थे वो पिछले चार पाँच दिन से उसमें स्टेबिलिटी आई है। 13,000 के आसपास, कभी 13,000 से कम, कभी 13,000 से बढ़कर जो केस है, लेकिन पिछले चार पाँच दिन से ये केस जो हैं वो स्टेबल हैं। और जो हमारी, हम ये कहें उसको के पॉजिटिविटी जो रेट है वो भी कम हुआ है। 22.61% आज पॉजिटिविटी रही है। और जो रिकवरी है, रिकवरी भी हमारी करीब 51% हो गई है। रिकवरी हमारी बढ़ रही है। और जो अभी पिछले आप दो तीन दिन से देख रहे होंगे कि 11,000 से अधिक, आज 11,500 से ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। जो हमारा जनता कर्फ्यू लगाया गया था जिलों में, और लोग घरों में ही रुक रहे हैं, किल कोरोना अभियान हम लोगों ने जो चलाया है, जिससे कि वहीं आइडेंटिफाइड करें, आइडेंटिफाइड करके उनको आइसोलेट उनको कर सकें, मेडिसिन का किट पहुंच सके, होम आइसोलेशन में जो पॉजिटिव हमारे पेशेंट हैं उनको डायरेक्ट दो बार दिन में बातचीत की जा रही है। और जो भी उनको दिक्कत है वो लोग भी, और उनको कभी आवश्यकता होती है तो 1075 पे लगा कर अपना सलाह ले लेते हैं। और मेडिसिन का किट भी उनको घर पर ही उपलब्ध कराया जाए, जिसके सार्थक परिणाम ये आ रहे हैं कि पॉजिटिविटी कम हो रही है, रिकवरी हमारी बढ़ रही है, केसों में स्टेबिलिटी है। सर, ऑक्सीजन की किल्लत ज़रूर सामने आई थी, जिसको लेकर केंद्र सरकार से भी मदद मांगी गई। अब बोकारो से जो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेन है वो आ रही है, क्या लगता है सर आपको कितना हेल्पफुल होगा एमपी के लिए? मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ में अनेक हमारे मंत्रीगण साथी और जो प्रशासनिक अधिकारी पूरी ताकत के साथ में लगे हुए हैं कि ऑक्सीजन की पूरी आपूर्ति करें। जो लिक्विड ऑक्सीजन आती है बाहर से वो आ सके, टैंकर की उनको उपलब्धता हो सके, और अब एयरलिफ्ट करके भी टैंकरों को भेजा जा रहा है, जिससे जो वापस खाली टैंकर को जाने में समय लगता था उसमें समय में कमी आ सके और जल्दी हमको ऑक्सीजन मिले। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज़ के लिए।